गाइस वेलकम टू टेक्नो फॉर हैंड चैनल। था मेरे भाई, आज हम बात करने वाले वन प्लस नॉट सी ई 4 5G के बारे में। इसकी मेरे भाई लॉन्च तो ये फोन हो ही चुका है, कब तक आपको इंडियन मार्केट के सेल के अंदर ये देखने के लिए मिलेगा? क्या कुछ ऑफर्स है, क्या कुछ चीजें फ्री में भी दे रहे हैं, तो वो भी आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। स्मार्टफोन अच्छी है मेरे भाई, मैं अभी से आपको बता देता हूँ, बट आपको लेना चाहिए या फिर नहीं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो कंटेंट देखना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले। 6.74 इंचेस का एक आपको फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। नो डाउट मेरे भाई, डिस्प्ले क्वालिटी आपको टॉप ऑफ दी नॉच यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। आयर ब्लास्टर भी इस फोन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा, और हाँ, डुअल स्पीकर का सपोर्ट है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है यहाँ पे मेरे भाई। बैटरी की बात करूँ, 5500 mAh का बैटरी है, और 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। बैटरी डिपार्टमेंट काफी तगड़ा यहाँ पे इन्होंने दिया है मेरे भाई, और जो इसकी प्राइसिंग है वो तो इससे भी तगड़ी यहाँ पे निकल के आई है मेरे भाई। कैमरा सेटअप की बात करूँ, डुअल कैमरा सेटअप है बैक साइड में, हाँ, जो देखने में लुक एंड डिजाइन मुझे काफी पर्सनली मुझे अच्छा लगा मेरे भाई। हाँ, लग रहा है क्या वन प्लस है, हमारा 3-4 कैमरे दे देते और फोन की लुक को ही खराब कर देते बैक साइड से। 50 megapixel का मेन है, 8 megapixel अल्ट्रा वाइड, जो 50 megapixel है मेरे भाई वो भी सोनी का ही लेंस है, LYT 600। और जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो भी यहाँ पे सोनी का ही यूज करा गया है, तो नो डाउट में ये कैमरा क्वालिटी आपको तगड़ी देखने के लिए मिलेगी। 16 megapixel का सिंगल सेल्फी कैमरा है, हाँ, जो पंच होल कटआउट के साथ है। देखने में ये फोन काफी अच्छी लग रही है मेरे भाई। वैसे आपको कैसा लग रहा है स्मार्टफोन, प्लीज अपनी राय कमेंट बताना। एमोलेड पैनल है यहाँ पे, उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है मेरे भाई। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर है मेरे भाई, जो कुछ प्राइसिंग के ऊपर इन्होंने प्रोसेसर दिया है, इससे भी कुछ कमेंटमेंट नहीं कर सकते मेरे भाई। हाँ, कुछ इसमें खामियां है नहीं, प्रोसेसर प्राइसिंग के हिसाब से काफी पावरफुल है, हाँ, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, 3 साल तक एंड्रॉइड अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इस स्मार्टफोन के अंदर, तो ये भी काफी अच्छी बात है मेरे भाई। अब मैं अगर इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूँ, प्राइसिंग से पहले मेरे भाई कब तक इस सेल में जा रहे हैं, 4 अप्रैल को आ रहा है मेरे भाई सेल के अंदर। 4 अप्रैल और 5 अप्रैल के दोनों के अलग अलग ऑफर्स हैं, वो मैं आपके साथ में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इस स्मार्टफोन को 4 अप्रैल को बाय करोगे, इसके जो बेस वेरियंट निकल के आए वो आपको बता देता हूँ। 8 GB की रैम, 128 GB स्टोरेज, 25,000 रुपये का है, हाँ, ये विदाउट बैंक्स ऑफर्स वगैरह के हैं। और अगर आप लोगे 8 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज, वो आपको देखने के लिए मिलता है 27,000 का। हाँ, प्राइसिंग तो काफी सही है मेरे भैया। अगर आप इसे 4 अप्रैल को लोगे तो आपको इनका वन प्लस का बर्ड्स 2R 3 देखने के लिए मिलेगा, हाँ, जो इसकी प्राइसिंग ही 2500-2600 रुपए के आसपास है कुछ, हाँ, 2500 रुपए का ही आपको है, जो फ्री में आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप उस डेट पे बाय करते हो। 2000 रुपए का, 2500 रुपए का सॉरी मेरे भैया, एक्सचेंज ऑफर है। बर्ड्स तो इनका कुछ फ्री में है, उसकी प्राइसिंग मेरे को याद नहीं आ रही सही से, हाँ, वो आपको फ्री देखने के लिए मिलेगा। और एक्सचेंज ऑफर आपको 2500 रुपए का है मोबाइल फोन के ऊपर, अगर आप मेरे भाई अगर आप 4 अप्रैल को इसे बाय करोगे तो। 5 अप्रैल को अगर इस स्मार्टफोन को बाय करोगे तो वो मेरे भाई आपको देखने के लिए मिलेगा 1500 रुपए का बैंक्स ऑफर, हाँ, फिर आपको बर्ड्स फ्री में नहीं मिलेगी, हाँ, बैंक्स ऑफर आपको 1500 रुपए का देखने के लिए मिलेगा। अब ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या फिर नहीं, मेरे हिसाब से मेरे भाइयों, ये बजट के अंदर अब तक के जितने भी फोन आए हैं 2024 में, उनसे ये काफी तगड़ी स्मार्टफोन, काफी तगड़ी डील मेरे हिसाब से मुझे देखने के लिए मिलती है मेरे भाई। अगर आप इसको, इसकी जो प्राइसिंग है उस पर भी अगर आप बाय करते हो तो नो डाउट मेरे भाई फोन काफी अच्छा है। मेरी तरफ से डन है मेरे भाई, फोन अच्छा है। आपको ये फोन कैसा लगा प्लीज अपनी राय कमेंट बताना। क्या आप इस स्मार्टफोन को बाय करोगे ये भी बताना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे एक नोट के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।